जब भी माओवादियों के खिलाफ लड़ाई की बात उठती है तो मैं सबसे पहले अपने सुरक्षा बल के बहादुर जवानों को नमन करता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन की शांति और कुशलता बरकरार रखने के लिए वे सदा ही चौकन्ने रहते हैं। उनके साहसिक प्रयासों और हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते पिछले साढ़े चार वर्षों में माओवादी हिंसा में आई गिरावट को देखकर आज हर भारतीय के मन में एक नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। भौगोलिक तौर पर भी माओवादी हिंसा का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है। माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या अब पहले के 126 के घटकर सिर्फ 90 रह गई है। इतना ही नहीं, पहले के 36 सबसे प्रभावित यानी खूंखार मान जाते थे, वो भी अब घटकर के 30 पर आए हैं। माओवाद प्रभावित जिलों में करीब 4,500 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया जा चुका है। पहले शायद ही कोई ये सोच सकता था कि इन इलाकों में भी इस स्पीड और स्केल से काम हो सकता है। कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने के लिए करीब 2400 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 4000 और टावर्स स्थापित करने को मंजूरी दी जा चुकी है। जब हमने कार्यभार संभाला था तब माओवादी हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहे जिलों में से 11 में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। वहां आज 8 नए केंद्रीय विद्यालय और 5 नए जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। माओवाद से प्रभावित इलाकों में बैंकों की पहुंच सीमित थी। माओवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में बैंकों के ब्रांच और एटीएम खोलने की पहल की गई है। आज देश देख रहा है कि माओवाद को हराने की जो हमारी व्यूह रचना है वो कामयाब हो रही है।